आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अभी जो फिल्म का जो काफ़ी सारे पेपरों में न्यूज़ आ रहे हैं, जो फिल्म है रानी पद्मावती, दीपिका से पहले भी ये फिल्म बनी है, कुछ हीरोइनों ने इसे परफॉर्म किया है, रानी पद्मावती का रोल निभा चुकी है, पर इससे पहले कभी विवाद नहीं हुआ था। दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर कपूर सिंह की आने वाली फिल्म पद्मावती पर पूरे देश भर में जमकर बवाल हो रहा है। करनी सेना और राजपूत समुदाय के लोगों ने फिल्म को लेकर कई जगह पर हंगामा किया है। उनका कहना है कि फिल्म में राजपूतों की छवि को खराब किया गया है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक संजय लीला बंसाली ने इन बातों से इनकार कर दिया है। फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस पर संशय बरकरार है। ऐसे में आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो इस पद्मावती से पहले आई थी। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी थी, लेकिन उस दौरान विरोध के सुर कहीं नहीं थे। पहली फिल्म थी चित्तौड़ रानी पद्मिनी। 1963 में पद्मावती पर तमिल में फिल्म बनी थी। इस फिल्म का शीर्षक था चित्तौड़ रानी पद्मिनी। इस फिल्म में उस दौर के बड़े सितारों ने काम किया था। फिल्म में शिवाजी गणेशन ने महारव रतन सिंह का और M.N. नाम्बियार ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। यह फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इसे आज भी वैजयंती माला के डांस की वजह से याद किया जाता है। उसके बाद की फिल्म थी महारानी पद्मिनी। तमिल फिल्म के 1 साल बाद 1964 में हिंदी में महारानी पद्मिनी के नाम से फिल्म बनी थी, जिसमें अनीता गुहा ने महारानी पद्मिनी का, जयराज ने महारावल रतन सिंह का और सज्जन ने खिलजी का रोल निभाया था। इस फिल्म के गाने आज भी याद किए जाते हैं। उसके बाद कामोनर अगुन। साल 1930 में एक मूक बंगाली फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका शीर्षक था कामोनर अगुन। इसे दिनेश रंजन दास और धननाथ गांगुली ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म भी चित्तौड़ की महारानी पर आधारित थी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।